एक तबका दौरे हाजिर का कहता है, जो सरकार की विलादत का दिन है वही सरकार के वफात का दिन है, तो विलादत का दिन मनाते हो, वफात का दिन क्यों नहीं मनाते हो? उनका मतलब है जिस तरह शीए मातमी जुलूस निकालते हो तुम भी जुलूस निकालो, लेकिन हम सुन्नी हैं, हम मातमी जुलूस नहीं निकालते, मगर तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि जो नबियों के वफात के दिन मनाने का फैशन है कुरान ने बयान किया है। कुरान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो सलाम अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअथ हय्या, उस दिन भी सलाम हो जिस दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, और उस दिन भी सलाम हो जब दुनिया से जाएंगे, उस दिन भी सलाम हो जब दुनिया से क़यामत में उठेंगे। यानी नबियों के आने जाने के दिन सलाम के साथ हैं, मातम के साथ नहीं है। सुभान अल्लाह माशा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मतलब खुद बताया, अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअथु हय्या। जवाब मिला कि नहीं मिला? वो कहते हैं सरकार की विलादत भी उसी दिन है और वफात भी उसी दिन है, विलादत मनाते हो वफात क्यों नहीं मनाते हो? हम कहते हैं उनके मनाने का तरीका कुरान ने बतलाया। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उस दिन भी मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं दुनिया में आया हूँ, और उस दिन भी मुझ पर सलाम हो जब दुनिया से जाऊँगा, उस दिन भी मुझ पर सलाम हो जब उठूँगा। मालूम हुआ नबियों के आने जाने के दिन सलामों की बरसात है। मेरे मुस्तफ़ा आए तो भी सलाम आया, दुनिया से गए तो भी सलाम आया, क्या मतलब उठेंगे तो सलामती ही सलामती।